तत्काल न्यूज़ लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज़ लाइव। महाराष्ट्र के जलगांव में सड़क हादसा हुआ है, जहां ट्रक पलटने से 15 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र के जलगांव में यावल तहसील के पास दर्दनाक सड़क हादसे में 15 लोगों की मौत हुई है। यहां पर देर रात पपीता लेकर जा रहे एक ट्रक पलट गया। ट्रक में सवार मजदूर हादसे का शिकार हुए हैं। देर रात को एक ट्रक पलट गया, जिससे गाड़ी में सवार मौजूद मजदूरों की मौत हो गई। जानकारी है कि जलगांव जिले में यावल तहसील के पास किनगांव में सड़क दुर्घटना हुई है। यहां देर रात वही 3 लोग जख्मी हुए हैं, उनका इलाज चल रहा है। जलगांव पुलिस के मुताबिक ट्रक रावेर जा रहा था, सभी मजदूर रावेर के रहने वाले थे। बता दें कि आंध्र प्रदेश के कुरनूल में रविवार को ऐसा ही खतरनाक सड़क हादसा हुआ था, जहां एक मिनी बस ट्रक से टकरा गई थी। हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई थी और बस 4 बच्चे बच पाए। बस में 18 लोग सवार थे और चित्तूर के मदनपल्ले से राजस्थान के अजमेर जा रहे थे। जळगाव जिल्ह्यातील यावल पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत किनगाव या गावाजवळ चोपडा रावेर हा रोड आहे। या रोडवर एक पपईने भरलेला आयशर ट्रक पलटी होऊन त्या ट्रकवर बसलेले एकूण 15 इसमांचा मृत्यू झाला आहे। यामध्ये 7 पुरुष, 6 महिला आणि 2 लहान मुलं आहेत। हे सर्व मजूर आहेत, ज्यांनी काल साक्री जिल्हा धुळे इथून पपई ट्रकमध्ये भरली आणि पुन्हा रावेर येथे येत असताना रात्री 1 वाजेच्या सुमारास हा ट्रक रस्त्याच्या कडेला पलटी झाला आहे आणि पपई खाली दबून या लोकांचा मृत्यू झालेला आहे। सदर संदर्भाने यावल पोलीस स्टेशन येथे पुढील कायदेशीर कार्यवाही सुरू आहे। तर किती लोक गंभीर जखमी आहेत? यातील 2 लोक गंभीर जखमी आहे आणि 3 लोक किरकोळ जखमी आहे। जळगावला पाठवले? हो, जळगावला रेफर करण्यात आले।